नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कानपुर में 25 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 2 साल की बच्ची की दुखद मौत हो गई है। 10 घंटे की मेहनत के बाद उस बच्ची खुशी को सेना ने बाहर निकाल लिया था, लेकिन अस्पताल में खुशी की मृत्यु हो गई। आज सुबह खुशी बोरवेल में गिर गई थी, जिसके बाद सुबह से ही सेना उसे निकालने के अभियान में जुटी हुई थी। बचाव अभियान में सेना के अलावा NDRF की टीम और साथ में पुलिस भी लगी हुई थी। काफ़ी मेहनत के बाद बच्ची बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन उसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इस बच्ची की मृत्यु की खबर आई है। डॉक्टर्स ने ये दुखद खबर दी है। काफ़ी मेहनत के बाद इस बच्ची को बचाया गया था, लेकिन ये बच्ची जिंदगी की जंग हार गई है। बोरवेल में गिर गई थी सुबह सुबह ये बच्ची, लेकिन बच्ची को बाहर निकालने के बाद, खुशी इसका नाम है, बाहर निकालने के बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, और उसके बाद डॉक्टर्स ने भरसक कोशिश की इस बच्ची को ठीक करने की, लेकिन वो इसे बचा नहीं पाए। ये मासूम छोटी सी बच्ची सह नहीं पाई उस घुटन को, उस परेशानी को और उस सदमे को, जिसकी वजह से वो 10 घंटे तक एक गहरे सकरे बोरवेल में फंसी रही, गिरी रही, और जब बच्ची को बाहर निकाला गया तो वो जिंदा थी। इस उम्मीद में कि ये बच्ची ठीक हो जाएगी, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश वहां पर की, सेना NDRF की टीमें जुटी इस बच्ची को बचाने के लिए, तमाम कोशिशें और वो कोशिशें रंग लाईं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बच्ची तो बाहर आ गई, लेकिन बच नहीं पाई। रुख आज की एक और बड़ी और दुखद खबर। मुरादाबाद से दिल्ली लाए गए NIA ऑफिसर मोहम्मद तंजील को अब से थोड़ी देर पहले सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके जनाजे के साथ भारी भीड़ थी। कल देर रात मोहम्मद तंजील को बिजनौर में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। एक रिश्तेदार के घर से शादी में शरीक होने के बाद बिजनौर लौट रहे NIA अफसर मोहम्मद तंजील बीच रास्ते में अंतिम सफर पर चल पड़े। रात के सन्नाटे में उनके जिस्म में इतनी गोलियां उतार दी गई कि तस्वीरें दिखाना भी मुमकिन नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार जांच में जुट गई है ताकि सच सामने आ सके कि आखिर मोहम्मद तंजील को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, किसने मारा। शादी में गए तंजील भाई, जो DSP दिल्ली NIA में काम करते हैं, करते थे, और वहाँ शादी से वापसी में इनके साथ ये हादसा पेश आया। जो है पत्नी कौन से कौन लोग हैं, उनको रास्ते में रोका और उन पर फायरिंग कर दी गई। ये घटना बीती रात की है। बाइक सवारों ने उनकी वैगनार कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। कई राउंड की गोलीबारी में उनका जिस्म छलनी हो गया। इस वारदात में उनकी पत्नी भी बुरी तरह से घायल हुई है। उनका इलाज नोएडा के फोर्टिस अस्पताल। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश के आला अफसरों से लेकर NIA तक हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तंजील पर 24 गोलियां चलाई गई, 12 गोलियां बदन से निकाली गई, 9 गोलियां जिस्म के आर पार हो गई और 3 गोलियां जिस्म को छूकर निकल गई। बताया जा रहा है कि उर्दू पर अच्छी पकड़ होने के कारण मोहम्मद तंजील की पठानकोट हमले की जांच में मदद ली गई थी। हालांकि वो उस जांच टीम का हिस्सा नहीं थे। मोहम्मद तंजील 5 साल से NIA में काम कर रहे थे और BSF से NIA में डेप्टेशन पर थे। उनके हत्या को आतंकवादी हमले के तौर पर नहीं देखा जा रहा, लेकिन चूंकि तंजील कई संवेदनशील मामलों की जांच से जुड़े थे, इसलिए एजेंसियां अपनी पड़ताल में हर पहलू को शामिल कर रही है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक ऐसा ऑफिसर जो देश की बहुत ही महत्वपूर्ण जांच एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ था और बहुत ही महत्वपूर्ण जांच में सहयोग कर रहा था, तो आखिर इस ऑफिसर को इतनी बेरहमी से गोलियों से छलनी क्यों किया गया। जबकि इस ऑफिसर के जानने वालों का कहना है कि मोहम्मद तंजील की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो क्या मोहम्मद तंजील को गहरी साजिश रच कर मारा गया है। मेरा भाई देश के लिए कुर्बान हुआ, मेरा भाई
मेरा भाई चला गया, मेरी ताकत कम हो गई, मेरा जोड़ा ना बिछड़ गया, मेरा भाई गया। गोलियों से छलनी भाई का जिस्म देखकर बड़े भाई की हिम्मत हवा हो गई। देश के लिए कुर्बानी दे दी, आंसू बेलगाम हो गए। क्या हुआ ये? राकिब अहमद बार बार बस यही दोहराते रहे कि भाई ने देश के लिए जान दे दी, अब देश की बारी है। मेरी ताकत कमजोर कर गया, सच्चा देश के लिए जान दिए उसने, अब देखते हैं देश उसके लिए क्या करेगा, उसके मुजरिमों को कितना पकड़ेगा। मुरादाबाद में अस्पताल के बाहर का माहौल गमगीन था। एक तरफ भाई बेजार रो रहा था तो दूसरी ओर महिलाएं मातम में डूबी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो चुका है कि हत्यारों ने तंजील अहमद पर इतनी गोलियां बरसाई कि जिंदा रहने की कोई संभावना बाकी ही ना रहे। 24 कुल गोलियां चली, जो कि अभी प्राइम अप ऐसा ही है, अभी पूरा उसको वो नहीं कर सकते, क्लियरिफाई। बस रिकवरी जो बॉडी से हुई है वो 12 गोलियां हुई है, 9 गोलियां और 3 गोली रगड़ के इधर से उधर जहाँ कहीं भी अपने के लिए। तंजील अहमद को क्यों मारा गया फिलहाल इसकी जांच चल रही है, लेकिन गांव के लोग और जानने वालों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि उन्हें इतनी बेदर्दी से गोलियां मारी गई, क्योंकि उनके मुताबिक तंजील अहमद की किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो एक नेक दिल इंसान थे। कभी आपसे कोई जिक्र किया हो किसी से लड़ाई झगड़ा दुश्मनी, जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है आपको क्या लगता है? नहीं, उनकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वो सबकी काफी मदद करते थे। आइए एक नजर डालते हैं, जानते हैं कि तंजील अहमद की प्रोफाइल क्या थी। तंजील एनआईए के गठन के समय से वह मौजूद थे। उर्दू ट्रांसक्रिप्शन में उन्हें महारत हासिल थी, मोबाइल ट्रैकिंग में भी वो बेहद कुशल थे, आईएम के मॉड्यूल की जांच में सक्रिय रहे, यासीन भटकल की गिरफ्तारी में उनकी भूमिका थी और बीएसएफ के इंटेलिजेंस विंग में काम कर चुके थे। इन सभी खूबियों के साथ वो आतंकियों के निशाने पर रहे होंगे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लिहाजा तंजील अहमद की हत्या के पीछे आतंकी वजहों को खारिज नहीं किया जा सकता। मुरादाबाद से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रत्युषा बैनर्जी की आत्महत्या के मामले में उसके बॉयफ्रेंड राहुल से पूछताछ में अब तक कुछ खास खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन आज राहुल की तबीयत जरूर बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच पुलिस ने उस अपार्टमेंट का मुआयना भी किया जहाँ प्रत्युषा ने आत्महत्या की थी। शनिवार को पुलिस की घंटों की पूछताछ के बाद रविवार को प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड की तबीयत बिगड़ गई। गाड़ी में बिठाकर जब उसे अस्पताल लाया गया तो आंसू रोके नहीं रुक रहे थे, लेकिन आंसू कितने सच्चे थे कहना मुश्किल है। बहरहाल बताया यह गया कि राहुल राज को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है और 3 दिन से वो लगातार सोया भी नहीं, और बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चल रहा है वो। उसकी वजह से आज सुबह 10 बजे के आसपास से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गई, चेस्ट पेन होने लगा और बीपी एकदम लो हो गया और वोमिटिंग वगैरह शुरू हो गई। इससे पहले पुलिस की एक टीम सिद्धार्थ अस्पताल के डॉक्टरों के साथ प्रत्युषा के घर पहुंची जहां उसने खुदकुशी की थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वहां घटना का नाट्य रूपांतरण भी किया है। अब तक पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक गुरुवार की रात उन्होंने पार्टी की थी, शुक्रवार को वो दोपहर में जागे, जब राहुल की नींद खुली तो उसने प्रत्युषा को शराब पीते हुए देखा। दोपहर को वो घर से निकल गया, शाम को जब वापस लौटा तो दरवाजा बंद था। राहुल पड़ोस के बावर्ची की मदद से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो उसने प्रत्युषा को फंदे से झूलता हुआ पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रत्युषा की मौत की वजह सांस का रुकना है। बताया जा रहा है कि राहुल और प्रत्युषा कुछ महीनों के बाद शादी करने वाले थे। राहुल के मुताबिक दोनों बहुत खुश भी थे, लेकिन अपार्टमेंट के सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक राहुल और प्रत्युषा के संबंधों में खटास आ गई थी, क्योंकि राहुल का किसी और लड़की से भी रिश्ता था। आज तक ब्यूरो। एक तरफ हमारे देश में भारत माता की जय बोलने के खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं और दूसरी ओर सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सामने बुर्का पहने महिलाएं भारत माता की जय के नारे लगा रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रियाद में TCS के दफ्तर पहुंचे तो वहां पर उनका शानदार स्वागत हुआ।
भारत माता की जय के नारे लगे। सऊदी अरब के रियाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो भावनाओं के आगे मजहब की सारी बंदिशें टूट गई। नारे लगे तो भारत माता के, शोर हुआ तो मोदी के नाम का। महिला कार्यकर्ताओं में नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेने और सामूहिक तस्वीर खिंचवाने की होड़ लग गई। टीसीएस के दफ्तर में वहां काम करने वालों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया। आईटी प्रोफेशन की दुनिया में भारत ने अपना स्थान बनाया है। मैं आप सबको भारत आने के लिए निमंत्रित करता हूं और कभी आप लोग एक साथ भारत आइए, देखिए आपका कैसा इम्पैक्ट भारत के लोगों पर भी हो सकता है। इससे पहले वो सऊदी अरब के बड़े कारोबारियों से मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सऊदी अरब में व्यापार की बहुत संभावनाएं हैं। भारत में मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए बहुत संभावनाएं हैं और हम अगर दुनिया को लो कॉस्ट मेडिकल डिवाइस सप्लाई करते हैं तो सारी दुनिया में उसकी मांग है। मैं आपको निमंत्रित करता हूं। कारोबारी तबके को लुभाते हुए मोदी ने कहा कि भारत की ताकत उसके लोकतंत्र, मजबूत न्याय व्यवस्था, कुशल मजदूर और मांग में है। उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के मौके गिनाए और भरोसा दिलाया कि जीएसटी बिल हर हाल में पास होगा। प्रधानमंत्री ने भारत की खेती, उद्योग धंधे, स्वास्थ्य, रोजगार सब पर बोला और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की संपदा का जिक्र किया। आज तक ब्यूरो। असम में कल पहले दौर का मतदान होगा। इस दौर में 65 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 15 साल से सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार के लिए चुनाव एक बेहद कठिन चुनौती है। घुसपैठ से लेकर चाय बागानों की दुर्दशा जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने गोगोई सरकार को घेर रखा है। लोहित के उत्तरी किनारे और पराग घाटी के इलाकों में जो प्रचार का शोर पिछले दिनों से हिलोरे मार रहा था वो थम चुका है। अब तो वोटों की बारी है। बस कुछ घंटे के बाद यानी सोमवार की सुबह वहां मतदान होंगे। इस चरण में राज्य के 65 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। पिछले 15 सालों से कांग्रेस का किला रहा असम, इस बार कांग्रेस के लिए कठिन चुनौती बनकर सामने है। बांग्लादेशियों की घुसपैठ से लेकर चाय बागानों की बदहाली जैसे मुद्दों पर चुनाव मैदान में घिरी सरकार को कड़ी मशक्कत करनी होगी। कांग्रेस हम लोग जीतेगा, असम का लोग हम लोग भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं और सरबानंद सोनोवाल के भी जानते हैं और मोदी जी आज पता चल रहा है, पहले उसका विश्वास भी करता, आज देखता है सारा इंडिया में उसका पॉपुलैरिटी कहाँ है, आज सब इलेक्शन में हार रहा है तो असम में वो कैसे जीतेगा। घुसपैठ के जिन सवालों को मुख्यमंत्री ने उठाया है बीजेपी ने उन्हीं सवालों के जवाब में सत्ता का टिकट मांग लिया है। पार्टी का वादा है कि अगर वो जीती तो घुसपैठ रोकी जाएगी। कांग्रेस ने बांग्लादेशियों का साथ नाता जोड़ लिया है, इसलिए बदरुद्दीन का साथ मिलकर वो हमारे असम का भविष्य को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसके खिलाफ असम का जनता ने तय किया है कांग्रेस और बदरुद्दीन को हराना और बीजेपी को सत्ता में लाना। पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस ने 65 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं जबकि बीजेपी ने 54, उसके सहयोगी AIUDF ने 27 सीट, असम गण परिषद ने 11 और BPF ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। बराक घाटी के 3 जिलों में जहां सोमवार को वोट डाले जाएंगे वहां बंगाली हिंदुओं की अच्छी खासी तादाद है जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर बन सकती है। 2014 के बाद से ही सूबे में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 14 में से 7 लोकसभा सीटें जीती। हालांकि बीजेपी ने असम के निचले इलाकों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है लेकिन इस बार BPF और असम गण परिषद से गठजोड़ इसी इरादे से किया गया है। गुवाहाटी से मनोज लोहिवाल के साथ आज तक ब्यूरो।